हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से रविवार को मेदागिन से गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में स्थित कार्यालय में मासिक बैठक आयोजित हुई। हर साल की तरह इस बार भी मकर संक्रांति से लेकर आगामी 1 माह तक समरसता सहभोज कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया गया। साथ ही हिंदू युवा सम्मेलन व हिंदू रत्न सम्मान समारोह कार्यक्रम को सफल करने में प्रमुख योगदान देने वाले पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी व वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला ने समरसता सहभोज कार्यक्रम को लेकर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया और कहा कि समरसता कार्यक्रम के लिए सभी कार्यकर्ता संगठित होकर काम करें, इसके लिए सभी की जवाबदेही तय होगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से वाराणसी मंडल प्रभारी एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण सदस्य अमरीश सिंह भोला, जिला संयोजक सुनील सिंह, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष अभिषेक गौतम, महानगर प्रभारी मनीष मिश्रा, महानगर संयोजक सुनील कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष अजय सिंह समेत 12 मंडल पदाधिकारी गण और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वाराणसी से सूरज यादव की रिपोर्ट। भोला प्रभारी हिंदू वाहिनी वाराणसी मंडल। अमरीश जी, किस तरह की बैठक चल रही है? ये हिंदू वाहिनी वाराणसी महानगर इकाई की, जो अपना गोरखनाथ मंदिर पे कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय है, यहाँ पे महानगर इकाई के सारे पदाधिकारियों को की मासिक बैठक है। हर महीने ये बैठक निरंतर चलती है। इसमें हमने जो हर महीने काम किए हैं उसको लेकर के चर्चा होती है, आगामी कार्यक्रमों पे चर्चा होती है, उसी के निमित्त आज ये बैठक है। जो तो आचार संहिता लग चुका है जी, तो अब 2022 का चुनाव भी करीब है जी, तो आज क्या मुख्य भूमिका होगा? आज हम सब कवि कार्यकर्ताओं के इस बैठक के माध्यम से जो है एक जागरूकता अभियान का भी एक कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मतदान का अपने प्रयोग करें और राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगें और सरकार की जितनी योजनाएं रही हैं उन योजनाओं के बारे में लोगों को जन जन तक पहुंचाने का काम ये करें जो है।